वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर के अंदर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास तो कभी बढ़ता नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंट है, तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी कम हो जाती है। तो कितनी चेंज होती है ये बताओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, तो ऐसा करो वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, वी डैश क्या है, वी इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। तो पुराना वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, मास अपॉन पुरानी डेंसिटी, नए वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मास बाय नई डेंसिटी, मास से मास कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ रो। इस पूरी टर्म को न्यूमिनेटर में ले गए रेज टू पावर माइनस वन, बाइनोमियल लगेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, माइनस साइन ये शो कर रहा है टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो ये एक्सप्रेशन है डेंसिटी का, इसको याद भी कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में लगने वाला है, हाईलाइट कर लें इसे, ये हाईलाइट करें, और ये बहुत लगने वाला है एडवांस के अंदर, क्यों, क्योंकि लिक्विड की प्रॉब्लम वही देते हैं, और लिक्विड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटती है, और डेंसिटी घटती का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, या ये यूज़ करेंगे या ये, इधर देख लो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, दोनों को हाईलाइट करना, कई बुक्स ये भी करती है, कभी कभी ये भी करना पड़ जाता है, और कभी कभी ये भी करना पड़ जाता है, दोनों को हाईलाइट करना।